नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC के द्वारा बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है दोस्तों। वैसे स्टूडेंट जो संयुक्त स्नातक प्रशिक्षक शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2016 में शामिल हुए थे और जो मैथमेटिक्स और फिजिक्स के स्टूडेंट रहे थे, तो जितने कैंडिडेट्स को यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड किया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उनके लिए ये अपडेट है। तो कब से कब तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और किनको किनको शामिल किया गया है वो तो अभी नीचे रोल नंबर देखेंगे और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं, ठीक है। तो जैसे कि ये जो परीक्षा आयोजित की गई थी 2016 में दोस्तों, तो इसके लिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगी, प्रमाण पत्रों की जाँच जो चलेगी आपका, जो आयोग कार्यालय है काली नगर चाय बागान नामकोन रांची में 1/11/2022 से 2/11/2022 तक चलने वाली है। तो यहाँ पर देख लेते हैं जो कैंडिडेट्स हैं उनको शॉर्ट लिस्टेड किया गया है, वो अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं मैथमेटिक्स और फिजिक्स के लिए। तो इसका जो PDF है टेलीग्राम में शेयर कर दिया गया है और अगर आप चाहें तो JSSC के साइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं और हो सके तो आप लोग तक पहुंच भी गया होगा। तो देखिए ये फर्स्ट सीटिंग जो है मैथमेटिक्स और फिजिक्स के लिए, तो ये फर्स्ट सीटिंग 1/11/2022 के दिन में यहाँ पर फर्स्ट सीटिंग में लिया जाएगा। इतने हैं रोल नंबर देख लीजिए, यहाँ पर ये सारे रोल नंबर जो हैं ये टोटल 56 सेलेक्टेड जो कैंडिडेट हैं जिनको शॉर्टलिस्ट किया गया है, जिनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आमंत्रित किया गया है। सेकंड सीटिंग में देखिए, यहाँ पर सेकंड सीटिंग में भी 56 हैं 1/11/2022 को। टाइम भी यहाँ पर दिया हुआ है 2:30 बजे से 5:30 बजे तक। उसके बाद जो फर्स्ट सीटिंग होगा 2 तारीख को फर्स्ट सीटिंग होगा 11 से 1 बजे तक। इसमें जो है टोटल 56 इसमें भी हैं, रोल नंबर देख लेंगे आप लोग। और सेकंड सीटिंग में देखिए ये जो बाकी के बचे हुए 24 हैं, तो इनको शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। तो इनकी जो प्रमाण पत्र हैं उनको वेरीफाई किया जाएगा, जांचा परखा जाएगा। तो यहाँ पर क्या क्या आपको लेके जाना है डॉक्यूमेंट्स उनको ध्यान में देख लीजिए। प्रथम पाली 11 बजे से अपराह्न 1 बजे एवं द्वितीय पाली 2:30 बजे या 2:30 बजे से 5:30 बजे तक होगी। दोनों पालियों में अभ्यर्थी जांच शुरू होने से 1 घंटा पहले जांच स्थल पर निश्चित रूप से पहुंच जाएं। किसी कारण से अनुपस्थित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन का कार्य आयोग में दिनांक 9/11/2022, अगर कोई छूट जाते हैं स्थिति में तो उनका 9/11/2022 को पूर्वाह्न 11 बजे से 1 बजे तक किया जाएगा। अनुपस्थित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु उपस्थित होने का यह अंतिम अवसर होगा। इस अवसर पर उपस्थित नहीं होने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी की अभ्यर्थ्यता स्वतः रद्द समझी जाएगी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, डेट्स को दिमाग में रखिएगा। अभ्यर्थी प्रमाण पत्रों की जाँच प्रपत्र का प्रिंटआउट निकालें एवं कर्म संख्या 1 से 14 तक भरकर ऑनलाइन आवेदन में की गई प्रविष्टियों से संबंधित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति एवं एक हस्ताक्षरित छाया प्रति तथा हाल में खींचा गया 2 पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो लेकर पहुँचे। जो अभ्यर्थी प्रमाण पत्रों की जांच में उपस्थित नहीं होंगे अथवा वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करेंगे उन्हें अलग से समय नहीं दिया जाएगा। उनकी उम्मीदवारी समाप्त करने पर आयोग निर्णय ले सकता है। जांच हेतु वांछित प्रमाण पत्र की सूची नीचे अंकित है। तो कौन कौन से प्रमाण पत्र आपको लेके जाने हैं, मैट्रिक में जो आपका मार्कशीट है और जो मूल प्रमाण पत्र है उनको लेके जाना है। पद की अपेक्षा के अनुरूप स्नातक ग्रेजुएशन और BEd का जो मार्कशीट है और जो प्रमाण पत्र है उसकी मूल प्रति आपको लेके जाने हैं। आरक्षित वर्ग के लिए आपने जो निवासीय प्रमाण पत्र या फिर जाति प्रमाण पत्र दिया था फॉर्म अप्लाई के टाइम में,
वो भी आपको लेके जाना है। पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर आपको क्रीमी लेयर वाला कास्ट चलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको खुद से भी आप अच्छे से पढ़ ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मास्क वगैरह लेकर के जाना है, मास्क पहन करके, सैनिटाइज़र, ये सब भी आपको लेके जाना है। ये जो फॉर्म है और इसको आपको प्रिंट आउट करके निकाल लेना है और इसको फिल करके जाना है। प्रमाण पत्रों की जांच हेतु पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो चिपकाना है, सारी डिटेल्स यहाँ पर भरने हैं। ये सारे डिटेल्स आपको भर लेने हैं और जितने भी आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं सबको लेके जाना है। तो चलिए इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा और जो भी यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं उनको तो बहुत सारी बधाइयाँ, ढेर सारी बधाइयाँ। आप लोग सरकारी शिक्षक बनने वाले हो और किसी तरह के डाउट्स रह जाते हैं तो पूछिए कमेंट सेक्शन में, और इस तरह की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।